हिशाम साहब, कांग्रेस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कांग्रेस ने जो डिमांड की थी गुंठेवारी के बारे में, उस पर पालक मंत्री ने जो फैसला लिया है, अभी जो मकान जो गिरने वाले थे उसको अभी रोक लगा दी है पालक मंत्री ने, तो क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये जनता की आवाज़ जो कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी, ये उसके लिए कामयाबी की राह में एक पहला हमें काम मिला है, अवार्ड मिला है कि सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ा, क्योंकि इसमें जनता का बहुत नुकसान होने वाला था, लोग काफ़ी परेशान थे। पालक मंत्री साहब ने अभी जो इसमें रोक लगाई है कि त्यौहार के चलते कोई भी डिमोलिशन की कोई कार्रवाई नहीं की जाए, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। इसमें हमारे नेता श्री नाना पटोले जी, हमारे संपर्क मंत्री अमित देशमुख साहब का भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अधिकारियों से और सीएम साहब से और प्रशासक से बात की और उन्होंने भी ये बात साफ की कि कोई भी कार्रवाई अगर हुई तो कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई के खिलाफ खड़ी है। हम सत्ता में भी हैं तो हम ये प्रश्न उठाएंगे अगर प्रशासन या प्रशासक इस किस्म से कोई भी कार्रवाई करता है तो। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो रोक लगी है कि भाई किसी किस्म से डिमोलिशन का कोई काम नहीं, तोड़फोड़ न की जाए, यही आदेश महानगर पालिका के जब तक चुनाव होकर नए नगर सेवक अस्तित्व में सभागार में नहीं आ जाते जब तक ये रोक लगी रहनी चाहिए। उसके बाद हमारी ये कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की कि सत्ता में आने के बाद महानगर पालिका में हम प्रशासन को प्रस्ताव भेजें कि इस पर पुनः विचार किया जाए, जनरल बॉडी मीटिंग में ठहराव पास होना चाहिए और ये जो रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जो आज मुझे लगता है एक एक घर के 40,000, 35,000, 50,000 इस किस्म से लोगों से हमको खबरें मिल रही हैं कि हमको चालान आ रहे हैं। पहले ये दर जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये 8,000 के आसपास थे, गुंठेवारी के 8,000-8,500 के। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइज करके जनता के उसको मतलब उनके बजट में आना चाहिए गुंठेवारी रेगुलराइजेशन, ना कि उनको घर बेचने की सोचना पड़े, वो घर रेगुलराइज हो जाएं और वो उनकी मालिकी के हो जाएं और उनके बजट में वो रेगुलराइज हो जाएं। हम इसके रेट्स को कम करवाने के लिए प्रयास करेंगे और गुंठेवारी सुलभ और आसान तरीके से हो जाए, इसमें लोगों को हफ्ते भी मिले ताकि वो थोड़ा सा पैसा आराम से भर सकें, यही हमारी कोशिश रहेगी। नहीं, गुंठेवारी का जो कानून है बहुत अच्छा है, जहाँ पर पायाभूत सुविधा नहीं है वो तो मुहैया होने वाली है, तो अभी तो उनको पायाभूत सुविधा नहीं है। गुंठेवारी भरेंगे तभी तो पायाभूत सुविधा मिलेगी ना उनको, कहीं ड्रेनेज नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है, गड्ढे है, स्ट्रेट लाइट नहीं है, उनको महानगर पालिका सुविधा नहीं दे पा रही ना, वो कानून में है ही नहीं, इल्लीगल बस्तियाँ है। तो जब अगर वो रेगुलराइज कर जाएंगे तो वो नियम में आ जाएंगे ना, तो ये अच्छा है ना कानून एक तरीके से। और राहत जो है वो सिर्फ दिवाली तक मिली है, उसके बाद नहीं है राहत। वही मैंने आपसे बताया कि गुंठेवारी कानून तो कांग्रेस ही लाई और जनता के हित के लिए ही लाई है, 2017 तक भी ये स्कीम लागू रही। ठीक है, इसमें कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने घर रेगुलराइज नहीं करवाए, उनके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार में भी गुंठेवारी होनी चाहिए, ये भी कांग्रेस पार्टी की ही मांग थी जिसको सीएम साहब ने मंजूर करते हुए इसको डिक्लेयर किया। हम ये चाहेंगे कि ये गुंठेवारी आराम से आसान तरीके से की जाए ताकि जनता को इसमें कोई तकलीफ ना हो, उनको उनके घर भी रेगुलराइज हो जाए और उनको मूलभूत सुविधा भी मिले। गुंठेवारी के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासक साहब एक हंटर चलाकर लोगों से एक साथ लाइन में लगा के उनसे पैसे भरवाना चाह रहे हैं, जैसे मोदी जी ने नोट जब बंदी के वक्त लोगों से पैसे जमा करवाए थे, उसमें कई सौ लोग जो है वो मारे गए, लाखों लोगों की नौकरियां और कारोबार चले गए, वैसा हमारे शहर में ना हो। हम ये चाहेंगे कि लोगों के घर रेगुलराइज हो जाए, उसमें प्रशासन के और महानगर पालिका के पास पैसा आए ताकि उन लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको मिले, लेकिन इसमें किसी पे जोर जबरदस्ती बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए कि उसकी कैपेसिटी के बाहर अगर आप उस पे बोझ डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती हो जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए। आप तो सरकार में है, यहाँ पर कई वर्षों तक के शिवसेना भाजपा की सत्ता रही है महानगर पालिका पे, लेकिन विरोधी पार्टियों में जो बैठे हैं जो लोग, तो वो अपील कर रहे हैं गुंठेवारी भरिए, गुंठेवारी भरिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब विरोधी पार्टियों को तो मुझे लगता है जो एक परिभाषा है हमेशा डेमोक्रेसी में कि जो भी विरोधी पार्टी होती है वो सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने के लिए होती है, मगर दुर्भाग्यवश सत्ता पार्टी के कुछ हमारे जैसे जो घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि इस चीज को इस तरीके से लागू नहीं होनी चाहिए, इसमें जनता को तकलीफ होगी, लेकिन कुछ पार्टियां प्रशासन
के और सत्ता पक्ष के सुर में सुर मिला के जो बातें कर रही हैं वो मुझे मेरी समझ के परे है कि ऐसी क्या इसमें इतनी गड़बड़ है कि जनता की छोड़ के प्रशासन की बात की जा रही है। इसमें जनता की बात की नहीं जानी चाहिए, जनता की सहूलत की बात की जानी चाहिए और वही काम कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में हो या अपोजिशन में हो वो हमेशा जनता की और जनता की सहूलत की बात करती आई है। ये महानगर पालिका प्रशासन अगर रेट कम नहीं करते हैं जो रिएक्टर के लगाए हुए हैं तो इस पर आगे क्या भूमिका रहेगी कांग्रेस की? देखिए जो महानगर पालिका की जो एकदम शुरू में भूमिका है कि हम घर तोड़ने वाले हैं और इतने पैसे भर दीजिए, उसके खिलाफ तो हमने खुलकर आवाज़ उठाई, जिसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का नेताओं का हमारा सबका एक प्रेशर क्रिएट हुआ और थोड़े दिन के लिए रोक लगी है। इसके बाद भी हमारी कोशिश रहेगी कि रोक इसी तरीके से लगी रहे और लोगों को चांस मिल रही है कि वो अपने गुंडेबारी भर के रेगुलराइज करें। लेकिन अगर फिर से कोई ज्यादती की जाती है तो कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर न्यायालय में भी जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। हमने अपने लॉयर की टीम से भी बात कर रखी है, अगर महानगर पालिका इस किस्म से कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी ये मसले को लेकर कोर्ट जरूर जाएगी।